अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स की सीरीज़ में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है फंक्शंस एंड लिमर्स। बच्चों, अगर आप नोट करो तो पिछले सारे लेक्चर्स में हमने सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस को ही डिस्कस किया, इसकी टूल्स, डोमेन और रेंज, कैसे फाइंड करते हैं डोमेन और रेंज, और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जैसे इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इन सबको डिस्कस किया। आज हम इसी चैप्टर की हेडिंग का जो सेकंड टर्म है लिमिट्स, इसको डिस्कस करेंगे। लिमिट्स क्या हैं, फंक्शंस की लिमिट्स क्या होती हैं और इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 की तरफ चलते हैं, उससे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट को डिस्कस करते हैं। लिमिट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है स्टूडेंट, उससे पहले कुछ बातें आप अपने माइंड में क्लियर कर लें, कुछ फिलॉसफीज़ क्लियर कर लें। जैसे हमारे पास है अटेनिंग द इम्पॉसिबल। क्या अगर आपसे मैं पूछूं कि आप किसी इम्पॉसिबल चीज़ को अटेन कर सकते हो, तो आप कहोगे कि उसका नाम ही इम्पॉसिबल है, कि जिसको अचीव करना पॉसिबल नहीं है, आप उसको कैसे अचीव कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, किसी चीज़ को अगर हम अचीव करना हमारे लिए पॉसिबल ना हो, उसको अटेन करना पॉसिबल ना हो, तो एटलीस्ट हम उसके क्लोज जाने की, उसके रिज़ल्ट, उसके करीब तीन रिज़ल्ट जो है वो हासिल करने की कोशिश तो है वो करेंगे ना। यानी हमारी फ़िलॉसफी है, इफ़ यू कांट अचीव इट ट्राई टू अप्रोच इट। अगर आप उसको हासिल नहीं कर सकते तो उसको अप्रोच करने की कोशिश तो करो, उसको पास आने की कोशिश तो करो। इसकी एग्जांपल अगर आप लो तो हमारे पास एक टर्म यूज़ होती है साइंस में, एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो यहाँ पे क्वेश्चन अरेज होता है, क्या आपने एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन स्केल पर अचीव कर लिए। अब आप चूँकि साइंस स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए ये एब्सोल्यूट ज़ीरो वाली टर्म नई नहीं है, लेकिन जो साइंस स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो आपने बच्चे 9th-10th में तो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ी हुई है ना, वहाँ पे ये टर्म यूज़ हुई है एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या था कि साइंसदान इस कोशिश में थे कि वो टेम्परेचर, कोई ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा ज़ीरो टेम्परेचर अचीव कर सकें जहाँ पे किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो जाए। क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल तो नहीं है कि किसी गैस को आप इतना को छोटा कर दें, इतना को कंप्रेस कर दें कि वो बिल्कुल ज़ीरो स्पेस ले ले, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन साइंसदान इस कोशिश में लगे रहे और उन्होंने कहा चलो हम ज़ीरो नहीं, बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते, तो चलो उसके वेरी क्लोज तो चले जाएँ, यानी गैस को इतना ज़्यादा हम कंप्रेस कर दें कि वो बहुत कम से कम जो है वो स्पेस ले ले। तो इसको कहते हैं कि वो टेम्परेचर जहाँ पे गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए, और ऐसा सिर्फ आइडियल गैस में होता है। आइडियल गैस मतलब जो हमारी इमेजिनेशन है, जिसपे सारे रूल्स एंड लॉज हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आइडियल गैस, आइडियल सिचुएशन हमारे डेली रूटीन में एग्जिस्ट नहीं करते। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑन केल्विन स्केल। लेकिन साइंसिस्ट ने यहाँ पर काम नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने थ्योरेटिकली कहा कि चलें हम इसको जो है वो ले लेते हैं, वेरी क्लोज चले जाते हैं, बहुत गैस को कम कर देते हैं। और इसी बेस पे उन्होंने गैस की काफ़ी ज़्यादा जो है थ्योरम इस पे बेस करते हैं, जैसे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, आपने ये वो मैन थ्योरम का नाम ले रही जो आपने 9th-10th में पढ़े थे। सो अटेनिंग एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन स्केल दिस वाज इम्पॉसिबल, लेकिन साइंटिस्ट ने इसको अचीव करने की कोशिश की और इस बेस पे उन्होंने अपने साइंस को बहुत ज़्यादा आगे जो है वो बढ़ाया। तो स्टूडेंट्स, अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलते, जो है एक लिमिट ऑफ अ फंक्शन। यहाँ पे अगर आप टर्म लिमिट की बात करो, तो लिमिट का वर्ड आपके लिए नया नहीं है, हम रूटीन में यूज़ करते हैं हम। आप स्टूडेंट्स ही उसे कह देते हैं आपकी लिमिट क्या है, कहाँ तक जा सकते हो, आपकी बाउंड्री क्या है, ठीक है। तो लिमिट का वर्ड हमारे जहन में हमेशा बाउंड्री को लेके आता है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। लिमिट ऑफ अ फंक्शन की अगर हम बात करें, तो उससे पहले चंद टर्म्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, जो जब हम फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करेंगे या उसकी डेफिनेशन करेंगे तो हमें वो यूज़ करनी पड़ेंगी। तो अगर हम उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर बाद में हमें प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। तो सबसे पहली टर्म जो हम यूज़ करेंगे, जो फ्रेज़ यूज़ किया करेंगे, दैट इज़ एक्स अप्रोच ज़ीरो। जैसे कि नाम से लग रहा है, एक्स ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। अब अप्रोच का वर्ड भी आपके लिए नया नहीं है, नॉर्मली हम अप्रोच का वर्ड भी यूज़ करते हैं। हम किसी को कहते हैं कि आपके अप्रोच कहाँ तक है, या अगर हम किसी को कहते हैं कि मेरी अप्रोच फलां फीसर तक है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि हम वो ऑफिसर ही हैं, बल्कि उसका ये मतलब होता है कि हम वेरी क्लोज टू ऑफिसर हैं, हम उस ऑफिसर तक जा सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप वो ऑफिसर भी बन गए हो। तो सेम इसी तरीके से एक्स अप्रोच ज़ीरो का मतलब है आप ज़ीरो के बहुत पास जा सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप ज़ीरो भी बन गए हो, आप एग्जैक्ट ज़ीरो हो, ऐसा नहीं होता।
इसकी हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सपोज़ कि आपके पास कोई वेरिएबल एक्स है, उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल की तो वैल्यूज़ डिफरेंट वो एज्यूम कर सकता है। कुछ भी हम वेरिएबल्स की वैल्यू रख सकते हैं। फर्ज़ किया जैसे एक्स है ना, उसको एक्स को वन भी रख सकते हैं, टू भी रख सकते हैं, थ्री भी रख सकते हैं, फोर भी। तो इस तरह की क्या था सक्सेसिव वैल्यूज़ आपके पास वेरिएबल एक्स की आ रही हैं। फ़र्ज़ किया एक्स की वैल्यू पहले आपने वन रखी, फिर वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर, वन बाई फाइव। अब देख रहे हो ना, जैसे जैसे टर्म्स आगे चलती जा रही हैं, इनका डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली टर्म बड़ी होती जा रही है। नीचे वाली टर्म बड़ी होती जाती है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास काफ़ी आगे जाके आपके पास वन बाई हंड्रेड, वन बाई थाउजेंड, वन बाई लैक, वन बाई करोड़, इस टाइप की चीज़ें आती जाएंगी, और वन बाय एन एक टर्म आपके पास आ जाएगी। एन मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर। अब एनी नंबर का मतलब है कुछ भी, बड़े से बड़ा बिलियन ट्रिलियन कुछ भी आप नंबर रख सकते हो। आपका ये बहुत आगे जाके ये वेरी वेरी लार्ज नंबर आपका इन्फिनिटी भी हो सकता है। जब आप इन्फिनिटी रखोगे तो जाहिर सी बात है वन ओवर इन्फिनिटी आपके पास होगा ज़ीरो, ठीक है, और आपकी लास्ट टर्म ज़ीरो आएगी। लेकिन लास्ट टर्म है क्या, क्या इन्फिनिटी आपकी लास्ट टर्म है? लेकिन इन्फिनिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इन्फिनिटी का तो मतलब है वेरी 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 लार्ज नंबर, ठीक है। तो जब वेरी वेरी लार्ज नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, काउंटिंग हमारी ख़त्म ही नहीं हो रही, तो ना इन्फिनिटी आएगी, ना हम उसको रखेंगे, ना हमारा आंसर ज़ीरो आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि हमारा आंसर ज़ीरो के क्लोज चलता जाए। वो कैसे, ज़ाहिर सी बात है जब हम डिनोमिनेटर्स में नंबर रखते जा रहे हैं तो आपके आंसर आते जा रहे हैं वन, सेकेंड टर्म का 0.5, 0.33, 0.25, 0.2, और जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा, तो आपके पास मज़ीद छोटे आंसर आ जाएंगे 0.00003, 0.00000005, और बहुत ज़्यादा ज़ीरो, क्यामत तक ज़ीरो भी अगर आप लिखें तो आपके पास एंड पे कोई ना कोई डिजिट आएगा। क्योंकि एग्जैक्ट ज़ीरो तो तब भी आएगा जब आप इन्फिनिटी रखोगे, और इन्फिनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर आपका ज़ीरो भी नहीं आएगा। इसका मतलब है हम ज़ीरो के बहुत क्लोज चले जाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट ज़ीरो हमें हासिल नहीं हो सकता। तो आप देख रहे हैं कि ये डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, डिजिट्स छोटे होते जा रहे हैं, और ये मुसलसल सिलसिला चलता जा रहा है, अनएंडिंग डिक्रीज़ है ना। तो एक्स स्मॉलर से स्मॉलर होता जा रहा है जैसे जैसे आप डिनोमिनेटर एन की वैल्यू नीचे से बढ़ाते हो, और ये वेरी क्लोज टू ज़ीरो चला जाता है। ये जो अनएंडिंग डिक्रीज़ हो रहा है ना, इसको हम सिम्बोलिकली कैसे लिख सकते हैं, एक्स अप्रोचेज़ टू इन्फिनिटी। एक्स क्या गैरो लगा देंगे और उसको पढ़ेंगे कैसे, एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, मैंने यहाँ पे कहना था, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो या एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। सो तो जब हम टर्म यूज़ करते हैं एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, तो उसका मतलब है कि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बट इट इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो, ठीक है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपके पास टर्म है दैट इज़ एक्स अप्रोचेज इनफिनिटी, जैसा कि नाम से लग रहा है, यहाँ पे एफ आना था, एक्स से कुछ चीज़ इन्फिनिटी। यहाँ से भी पता चल रहा हमें कि एक्स जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब एक्स इन्फिनिटी के करीब चला जाता है। अब इन्फिनिटी क्या, इन्फिनिटी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वेरी वेरी लार्ज नंबर। तो ज़ाहिर सी बात है जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ती चली जाएगी आपके पास वो नंबर बड़ा होता जाएगा, लेकिन चूंकि एंडिंग ही नहीं है तो इन्फिनिटी भी नहीं है। तो इसका मतलब हम वेरी वेरी लार्ज नंबर के क्लोज जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने पिछले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ली थी, फ़र्ज़ कि आपके पास वेरिएबल एक्स है और उसकी मुसलसल सक्सेशन में ना मुसलसल अगली टर्म से अगली टर्म, अगली से अगली टर्म में जो वैल्यूज़ हैं वो इस कुछ इस तरह की आती जा रही हैं, वन, टेन स्क्वेयर, टेन क्यूब, टेन फोर एंड टेन सोन। टेन की डिजिट, टेन की जो एक्सपोनेंट है ना पावर्स, वो बड़ी होती जाएंगी, और एक वक्त आएगा टेन की पावर आप एन लिख दोगे। एन मतलब बहुत ज़्यादा नंबर, यहीं पे भी ख़त्म नहीं होगा। आप डॉट्स लगने का मतलब आप आगे भी लिखते जाओ, क्योंकि काउंटिंग तो एंड ही नहीं हो रही। जैसे जैसे आप टेन की वैल्यूज़ बढ़ाते जाओगे आपके आंसर भी बड़े आते जाएंगे। आंसर्स क्या आए आपके पास, आपके पास आंसर आएंगे जैसे पहले टर्म को वन है, फिर टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लैक, करोड़, इस तरह से चलते जाओगे आपके पास नंबर ऑफ़ ज़ीरो भरते जाएंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास इतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाएंगे कि आपके लिए काउंट करना भी मुश्किल होगा, लेकिन सिलसिला यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, वो आगे ही चलता जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है वेरी 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 लार्ज नंबर्स आपके पास आएंगे और आंसर आपका इन्फिनिटी के पास चला जाएगा। जो कि इन्फिनिटी ख़त्म नहीं हो रही, इन्फिनिटी है ही, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसका मतलब है आप बहुत आगे इन्फिनिटी तक चले जाओगे, लेकिन ना इन्फिनिटी होगी, ना आप उसको अचीव कर सकोगे। सो दिस मीन्स एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, लेकिन एक्स इन्फिनिटी नहीं बन सकता क्योंकि इन्फिनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो
एक्स इज़ बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर एज एक्स इंक्रीजेज, और ये भी अनएंडिंग इंक्रीज हो रहा है एक्स में, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी, और इसको पढ़ेंगे भी ऐसे, एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी या एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स, एक्स अप्रोचेस ज़ीरो, एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी के बाद हम, अब ज़ीरो इन्फिनिटी के बाद हम, ज़रूरी नहीं है कि ये ज़ीरो इन्फिनिटी को अप्रोच करें, ये किसी नंबर के पास भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं एक्स अप्रोचेस ए, ए मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 300, 1000, 10, 5, माइनस में भी नंबर हो सकते हैं, -5, -3 एंड सो ऑन। जब हम कहते हैं कि एक्स अप्रोचेस टू ए, तो उसको भी हम जैसे ज़ीरो इन्फिनिटी को लिखा था ना, वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि एक्स इज सफिशेंटली क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज है ए के, बट डिफरेंट नंबर है ए से, ठीक है। एक्स ए के बहुत क्लोज है लेकिन ए नहीं है, ए से थोड़ा डिफरेंट नंबर है, फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए। अब फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल कराती हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक 9 है, यहाँ पे एक वैल्यू ए है, ये रियल लाइन की मैं बात करूँ, ये लाइन जिस पर 1, 2, 3, 4 लिखा होता है, बाकी नंबर मैंने इसलिए शो नहीं किए क्योंकि हमें ए के बारे में नहीं ना पता, ए कोई भी नंबर हो सकता है। तो ए के लेफ्ट साइड पर भी नंबर्स हैं और ए के राइट साइड पर भी जो है वो नंबर है। तो फर्स्ट क्या, अगर आपके पास ये नंबर लाइन ए है, यहाँ पे जार सी बात है एक्स अगर हम कहते हैं अप्रोच करा ए को फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो इसका मतलब है एक्स इस साइड से इसको अप्रोच कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर ये 5 है तो एक्स हो सकता है सॉरी एक्स हो सकता है 4.999999, ठीक है, 4.5, तो 5 के लेफ्ट साइड पे कोई ना कोई नंबर होगा लेकिन 5 नहीं होगा। और अगर हम बात करते हैं एक्स की, तो अगर वो राइट साइड से अप्रोच करते हैं, इसका मतलब है वो 5 के राइट साइड पे मौजूद है, ए के राइट साइड पे मौजूद है। फॉर एग्जांपल 5.00001 हो सकता है, थोड़ा सा आगे होगा ना, ज़्यादा आगे भी हो सकता है, लेकिन जब हम अप्रोच की बात करें तो हम ज़्यादा आगे वाला नंबर नहीं लेंगे, हम 5 के बिल्कुल थोड़ा सा आगे वाला लेंगे, 5 के बिल्कुल क्लोज, जैसे 5.00000005, 5.001, 5.01, 5.00003, इस टाइप के नंबर। तो इसको हम कहते हैं कि एक्स जो है, एक्स ए के पास हम लेफ्ट साइड से भी जा सकते हैं, जैसे 4.99, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 5 बनता ना, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली बनता है, एग्जैक्ट 5 नहीं। या राइट साइड से जा सकते हैं, जैसे 5.00001, उसको भी राउंड ऑफ करके हम 5 लिखते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5 लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 5 तो है वो नहीं लिखते। तो इस तरह से हमारे पास ये कंसेप्ट आ गया कि आप एक्स के क्लोज जा रहे हो फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड। ये जो लेफ्ट और राइट साइड है ना, इसके लिए वो जो मैथमेटिक्स ने कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस हमारे लिए करवाई, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, कि एक्स की लिमिट जो है वो लेफ्ट साइड से है, और इसमें ए के ऊपर जब वो छोटा सा माइनस लिख लेते हैं, इसका मतलब माइनस ए नहीं है, माइनस ए का मतलब होता है -2, -5, -3, वो शुरू में होती है, इसकी वैल्यू होती है। अगर आप उसकी एक्सपोनेंट पे माइनस लिख रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप एक्स की लेफ्ट साइड से एक्स के पास आ रहे हो, पीछे से आ रहे हो एक्स के पास, लेकिन इसका मतलब एग्जैक्ट प्लस ए ही है, माइनस ए शुरू वाला नहीं है, इसका मतलब है कि आप लेफ्ट साइड से माइनस ए के पास आ रहे हो। और अगर आप राइट साइड से माइनस ए के पास आ रहे हो, तो इसको हम लिखते हैं राइट हैंड लिमिट, जैसे एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस। अब ए प्लस का मतलब भी ज़ाहिर सी बात है, अगर ए आपका नेगेटिव नंबर है, तो इसका मतलब है कि जैसे -3 है, तो इसका मतलब है आप -3 के राइट साइड से उसके पास आ रहे हो, लेफ्ट साइड से नहीं आ रहे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द एक्स अप्रोचेस ए। नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जांपल की तरफ। न्यूमेरिकल अप्रोच अगर हम करें, ये तो सारा थ्योरेटिकल था ना, अगर न्यूमेरिकल अप्रोच करें तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं, एग्जांपल हम देखते हैं, f x है दैट इज़ इक्वल टू x²-4/(x-2)। अब जब हमने डोमेन और रेंज के क्वेश्चन किए थे, तो हमने कहा था इस किस्म के क्वेश्चन में हम एक्स इज इक्वल टू 2 पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम 2 पुट करेंगे, 2²-4 हो जाएगा, 4-4/(2-2), तो ये आपके पास हो जाएगा 0/0। ये अनडिफाइंड फॉर्म है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होता, आप इसको काट के नहीं लिखते 0 0, कट के तो 1 1, ऐसा नहीं होता, ये अनडिफाइंड फॉर्म होती है और इसको आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब क्यों हुआ कि इस क्वेश्चन में आप एक्स इज इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड f(2)। लेकिन वो बात कि जो चीज़ इम्पॉसिबल है, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, फिर एक फ़िलोसफी हमारी है, इफ़ यू कॉन्ट अचीव इट ट्राई टू अप्रोच इट। हम अगर x इज इक्वल टू 2 पुट नहीं कर सकते, तो हम वो वैल्यूज पुट करेंगे जो वेरी क्लोज टू 2 है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक रियल लाइन है, इसमें यहाँ पर आपके पास 2 मौजूद है, आप क्या करते हो कि अगर आप लेफ्ट साइड से आते हो,
तो आप क्या करते हो कि टू की लेफ्ट साइड से आती है उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, राइट साइड से भी आ सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी आ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट टू की वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट, हम इसको लेफ्ट साइड से भी टू तक अप्रोच कर सकते हैं और राइट साइड से भी टू तक अप्रोच कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम कंसेप्ट को देखते हैं कि अगर हमारे पास टू है, हम उसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करें राइट साइड से, तो इसको लिखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे। एक्स अप्रोचेज टू फ्रॉम द राइट साइड, इसको हम लिख सकते हैं एक्स अप्रोचेज टू प्लस, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था ए के लिहाज से। और अगर आप राइट साइड से इसका एक्स अप्रोचेज टू टू प्लस का मतलब है कि आप एक्स इज़ नॉट इक्वल टू टू, एक्स टू के इक्वल नहीं, लेकिन वेरी क्लोज टू टू है फ्रॉम द राइट साइड ऑफ टू, टू के राइट साइड से ये टू के बहुत क्लोज है, ये 2.01 भी हो सकता है, 2.00001। वही बात कि अगर आप टू पॉइंट के बाद ज़ीरो काउंटलेस डालते हैं, इन्फिनिटी ज़ीरो डालते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ीरो डाल दें और एंड पे ख़त्म ना होने वाली ज़ीरो भी डाल दें, तो भी ये टू नहीं रहेगा, टू से थोड़ा सा आगे जो है वो चला गया। तो नंबर लाइन पे इसका मतलब ये टू से थोड़ा सा आगे मौजूद है। और अगर हम लिखते हैं कि एक्स अप्रोचेज टू टू फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो इसका मतलब है कि आपके पास, सॉरी यहाँ पे लेफ्ट आना था, इसका मतलब हम इसको यूँ लिख सकते हैं एक्स अप्रोच टू टू माइनस, और ये टू, मैं दोबारा रिपीट करें, ये टू ये माइनस है, ये टू का नहीं है, ये माइनस सिम्बोलिकली शो कर रहा है कि आप लेफ्ट साइड से इस साइड से टू के पास जो है वो आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक्स टू तो नहीं है, लेकिन इट इज़ वेरी क्लोज टू टू है फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ टू ऑन द नंबर लाइन। आप क्या कह सकते हो कि ये 1.9999999, अब आप चाहे लाखों करोड़ों लाइन भी नाइन भी आगे लगा दो कि ये टू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली टू है, टू से फिर भी थोड़ा सा पीछे मौजूद है। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट एंड राइट साइड का कंसेप्ट ऐसे ही है कि आप टू से जैसे लेफ़्ट साइड पे जाते हो तो आप थोड़ा सा आगे चले जाते हो, लेकिन टू पे नहीं रहते। तो अगर आपके पास आप लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी टू के क्लोज जा रहे हो, जा सकते हो, पॉसिबल है टू के पास जाना दोनों साइड से, लेफ़्ट साइड से भी राइट साइड से भी, तो आप फिर इसको साइमल्टेनियसली ऐसा पॉसिबल है तो आप इसको लिख सकते हो एक्स अप्रोचेज टू टू। अब यहाँ देखिए, मैंने ना प्लस डाली है ना माइनस डाली, और ऐसा तभी होगा जब आप लेफ़्ट साइड से भी टू के पास जा सकते हो, राइट साइड से भी जा सकते हो, और आपका दोनों तरह से आंसर जो है वो सेम आता है। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक है। लिमिट का थोड़ा सा कंसेप्ट आपके माइंड में डालना चाह रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद इसकी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो बस ये दो तीन टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस करना चाह रहे थे। उम्मीद है आपकी ये टर्म्स क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि अगर ये टर्म्स आपकी क्लियर होगी तो फिर हमें नेक्स्ट लिमिट ऑफ फंक्शन को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टूडेंट्स, टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।